जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बर सिंह और स्वागत है आपका क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज क्षत्रिय प्रणाम में अपन समतोला का अभ्यास, बेसिक समतोला का अभ्यास क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे समतोला, देखिए दोस्तों, अपनी प्राचीन ऐसा अभ्यास है जिससे अपने 206 हड्डियों के साथ साथ अपने ऑर्गन्स और साथ ही साथ मसल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कारगर है। ये भी देखिए दोस्तों, मुदगर का अभ्यास अलग रहता, समतोले का मुदगर अभ्यास अलग रहता, गधे का अभ्यास अलग रहता, तीनों का अभ्यास टोटली अलग है। कई सारे लोग गधे का अभ्यास एक ही जगह से कर रहे हैं, साथ ही साथ समतोले का अभ्यास एक ही साथ कर रहे हैं, मतलब एक ही स्टाइल में कर रहे हैं, और मुदगर का भी स्टाइल एक ही कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कई सारे प्रकार हैं इसके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपके एक रिक्वेस्ट, कभी भी आप कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं, लंगोट पहनना बहुत ज़रूरी। उससे लंगोट पहनने के बाद आपके बॉडी में हीट आना, यानी आप वार्म अप अच्छे से करना, और पसीने में नहाने के बाद ही क्षत्रिय प्रणाम के अभ्यास को आप अपनाना। और एक बात दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं वीडियो के अंत में आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा जिसको आप ज़रूर देखिए, जो कि धड़ल्ले से एक भाई साहब मुदगर की तस्करी कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र से है, वो जंगल से लकड़ी ला रहे, काट रहे और पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा आप एक बार। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, ये समतोले का स्टार्टिंग बेसिक अभ्यास, जिनको समतोला क्या चीज़ है नहीं मालूम, और जो जिनको समतोला चलाना नहीं आता वो लोग कारगिल शेयरिंग की तरह बस ऐसा ऐसा करना, जैसे कि एक बार बताओ आकाश, ये देखिए, समतोले का स्टार्टिंग बेसिक अभ्यास, जिसके अंदर आप जब सामने ऊपर उठा रहे हैं इसको, तब आपको श्वास खींचना है, जब साइड में ले आ रहे तब आपको श्वास छोड़ना है। मेन सांस है, अगर सांसों के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा देंगे। सांसों का ध्यान हमेशा रखना आप। ये देखिए, ऊपर आते वक्त सांस खींचे, साइड में आते वक्त सांस छोड़े, साथ ही साथ रोको। ये था पहला अभ्यास, आइए बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की ओर। दूसरे अभ्यास में इसको साइड में ले आते वक्त बैठना है आपको, कपालभाति बैठक मारते हुए आपके कंधों के बराबर आपके पैर, देखिए जब नीचे जा रहा तो ये कपालभाति हो रही, तब ऊपर अट रहे तो भस्त्रिका। समतोले का दूसरा अभ्यास, रुको दोस्तों, इसी को समतोले को तीसरा अभ्यास, जो कि जो साइड में घुमाए थे अभी वो घुमाओ, खाली ऐसा ऐसा ऊपर से उठा के, अब ये होगा तीसरा अभ्यास दोस्तों। सेम समतोला का साइड में जाते हो तो आपकी श्वास छोड़ना है, ऊपर उठाते हो श्वास खींचना है आपको। ये ज़रा कठिन, जिसके अंदर आपके लैट्स के ऊपर ज़्यादा वजन गिरेगा कमर पे, और आप ये रीढ़ की हड्डी है एकदम आपको सीधा रखना है वो। इसको चौथे अभ्यास की ओर जाते हो, चौथे अभ्यास में आपको उठा के पूरा अभी बैठना है, जैसे कि अपन स्टार्टिंग में बेसिक बैठक मारे वैसे इसके अंदर आप बैठक लगाना है, लगाओ आकाश। ये देखिए दोस्तों, ये ज़्यादा कठिन अभ्यास 206 हड्डियों के लिए और पूरे मसल्स के लिए, साथ ही साथ ऑर्गन्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त अभ्यास। ये था चौथा अभ्यास, रुको, ये दूसरा अभ्यास, जो कि एकदम नॉर्मल बैठक रहेंगी समतोला को लेकर, नीचे आते वक्त कपालभाति, ऊपर आते वक्त भस्त्रिका। ये थी पांचवी अभ्यास, जो कि बहुत ही आसान है,
कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी वानर बैठक में मारेंगे हम चारों दिशाओं में घूमती और जो कि रहेंगी अपनी छिटवा अभ्यास आकाश वानर बैठक। ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं वानर बैठक। चारों दिशाओं में आपको ये आप लेकर घूमना है, जंप लेकर घूमना, जैसे एक वानर छलांग लगाता वैसे ही आपको एक छलांग लगाते हुए इसका अभ्यास करना है। ये अपनी अपनी छिटवी बैठक। और ध्यान रखिए, ये नीचे जाते हुए तो आपको सांस छोड़ना है, ऊपर आते हुए तो आपको सांस खींचना है, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। आइए बढ़ते हैं सातवें अभ्यास की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त भगवान बजरंगबली के नाम की हनुमान बैठक रहेंगी। ये है सातवें अभ्यास। एक पैर आगे डालते हुए नीचे जाते हुए श्वास छोड़ना है आपको, ऊपर आते हुए श्वास खींचना है, ये हनुमान बैठक है। इसको थोड़ा और कठिन बनाने के लिए आठवां अभ्यास, बैठने के बाद आपको उठाना है इसको, शोल्डर जाके आपके कंधे मजबूत हो, बैठक लगा के उठाना है इसको। दोस्तों हनुमान बैठक को थोड़ा और कठिन करते हुए ये है हमारा आठवां अभ्यास, जो कि बैठने के बाद आपको उठाने का है। जिसके अंदर आपके जंघों के अंदर बहुत ज़्यादा बल आएगा, शोल्डर के अंदर ज़्यादा बल आएगा, स्पेशली आपके बटक्स सुडोल बहुत खूबसूरत होंगे और आपके इससे टेस्टोस्टेरोन्स बहुत ज़्यादा, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस तो कही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आना है, बहुत ज़्यादा आपको पावर आएगा इससे। ये थी हनुमान बैठक, समतोला से हनुमान बैठक। आइए बढ़ते अगले अभ्यास की ओर, यानी नौवें अभ्यास की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये है नौवा अभ्यास समतोले का, जो कि बहुत अपने को ज़्यादा बेसिक पता है समतोले के बारे में, लेकिन इसमें गलती है क्या करते हैं वो लोग, झुक के ऐसा नीचे देखते, लेकिन इसमें नीचे झुकने से उनके कमर में स्लिप डिस्क हो सकता, तो इसके अंदर नीचे झुकते वक्त आपकी कमर सीधी रखना और आपकी नज़र एकदम सीधी सामने, यानी पूरा ऐसा नीचे अंदर की ओर नहीं जाना, इसके अंदर आपकी कमर सीधे रखते हुए आपके दोनों पैरों के अंदर अंदर ले आना है इसको। जब ये अंदर जा रहा है तब आपको सांस बाहर फेंकना है, जब आप ऊपर की ओर जा रहे तब आपको सांस खींचना है। ये था नौवा अभ्यास, जो कि स्पेशली आपके बैक के लिए रहेगा। ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको पूरा नीचे नहीं झुकना है, आपकी कमर और गर्दन आपको सीधे रखना है, ताकि आपके कमर के ऊपर वजन ना गिर के आप इसका लाभ उठा सके। आइए बढ़ते दोस्तों दसवां अभ्यास की ओर। दोस्तों ये दसवां अभ्यास समतोला का, और आज इस वीडियो का तो कम से कम अंतिम अभ्यास, आगे अपन और बढ़ाते रहेंगे। इसके अंदर दोस्तों आपको लेना है समतोला लेके आपको हनुमान बैठक लगाना है। हनुमान बैठक लगाने के बाद आपको उठाना है इसको सामने से इस तरह से, ताकि आपके फ्रंट शोल्डर के ऊपर के मजल के ऊपर ये काम कर सके और आपके लोअर के ऊपर काम सके। जब आप नीचे जा रहे तब आपको सांस छोड़ना है, तब आप ऊपर उठ रहे तब आपको सांस खींचना है। आप पैर को आगे लेके कुंभक भी लगा सकते हैं। आकाश कुंभक लगाओ। इस स्थिति में दोस्तों आप कुंभक का भी अभ्यास लगा सकते हैं। फिर वापस पीछे जाओ, फिर वापस से हनुमान बैठक सामने, सांस फेंके सांस खींचे, यहाँ पर होल्ड करके आपको लगाना है कुंभक, जो कि हर अभ्यास की जान रहती है। लगाओ, एक तीन चार बार लगाओ, अभ्यास करो। तो ये थे दोस्तों अपने प्राचीन समतोला के कुछ अभ्यास, आगे चल के मैं आपको और भी अभ्यास बताते रहूँगा। हम चाहते हैं दोस्तों कि देश में हर कोई बलवान रहना, कमज़ोर कोई भी नहीं रहना। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा दोस्तों एक बात और, जो मैं आपको वीडियो बोला था वो वीडियो मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, इसे ज़रूर देखिएगा आप। और मुदगल की जो स्मगलिंग हो रही उसको अगर कोई मेरा भाई वकील है या कोई पुलिस वाला है तो उसका कंप्लेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाकाल। तो